चालू कर रहा हूँ। देखो अब हमने शुरुआत तो कर दी थी ब्लॉग की नवरात्रि में, जब हम वहाँ मैं ब्लॉग नहीं बनाया, सारे साथ वाले सभी बोल रहे थे रहन ने मत बना, तो मैंने बनाया। अभी सारा ख़त्म हुआ तो हमने एक्सीडेंटली अपना सामान और बैग ध्यान मांगिए साथ में माथे में रख दिया दोस्त के रूम में, और हम लोग ये भूल गए कि कल संडे है, अगर हॉस्टल में रुकते हैं तो कल बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारे पास कपड़े हैं नहीं, और अभी रात को लिफ्ट चालू होती नहीं है, तो सारा थक हार के जैसे थे पैर टूट रखे थे, रात के 12:30 हो रहे हैं अभी, वैसे पता नहीं कैसे साथ वाले चढ़े हैं, कार्डियो हो गया मेरा इतने दिन के बाद, दो हफ्ते से जिम नहीं जा रहा तो अब कार्डियो हो गया, हाथ में महीना बोलता है ठीक है, हाथ मेरा दुख रहा है, मैं अब ये रख रहा हूँ, सुजिम के रूम पे जा रहा हूँ, वहाँ जाके सो जाऊँगा डायरेक्ट, और सुबह मिलते हैं फिर। हेलो मेरे को मालूम है कि मेरे को यहाँ शिफ्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं मेरे को यहाँ शिफ्ट हुए, और काफ़ी लोगों के मेरे को DMs भी आए भाई रूम टूर तो दे दो, चलो फिर आज थोड़ा रूम टूर हो जाए, पर हालत है नहीं रूम की रूम टूर देने वाली, क्योंकि सामान बिखरा हुआ है मेरा भी और बाजू वालों का भी, ठीक है, पर लेकिन जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ठीक है उस जगह का रूम टूर देना तो बनता है। मैं कितने दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रहा ना, हाँ यार थोड़ा एंड सेम आ रहा है ना, अपना 3rd सेम भी कम्प्लीट होने वाला है, ऐसे चुटकियों में ही कम्प्लीट होने वाला है, अभी कहीं मैं घर पे घूम रहा था जून में, और कहीं अब क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई नहीं फिलहाल तो रूम टूर शुरू करते हैं। तो ये देखो ये अपनी एंट्रेंस ठीक है, गेट से एंटर होते ही सामने बाथरूम का गेट, बालकनी और लॉक लगाने के लिए अंदर से लॉक, डबल लॉक वाला है ठीक है, और ऐसे अगर फोर शेयरिंग में ले रहे हो ये रियल मीरा बेड, टेबल बेड, ये मैं दिखाने वाला था जो मैं डबल गद्दे पे सो रहा हूँ, नीचे वाला मेरा खुद का, ऊपर वाला इन लोगों ने दिया, मेरा सिंगल बेड वाला और इनका गद्दा सिंगल बेड से भी छोटा है ठीक है, और वो रही मेरी अलमीरा, देखो देखो कितनी टैनिंग हो चुकी है मेरे, छोड़ो वो सब ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे तुम्हें कुंडी वगैरह मिल जाने वाली है कपड़े टांगने के लिए, मेरे अकेले की है जिसके सर पे कुंडी है ठीक है, बाकी सबकी साइड पे है, देखो ये देखो ये देखो, ये बेड खाली पड़ा था और ये बेड मुझे मिला, फर्नीचर वगैरह यार इनका थोड़ा मतलब ऊपर नीचे है फर्निशिंग में ठीक है, इतना मतलब जज नहीं करा जा सकता क्योंकि PG है, और ऐसे जो टेबल भी छोटे हैं ठीक है 2 जनों के लिए, और ऐसी कोई गद्दी वाली तो मैं चेयर मिल जाने वाली है ठीक है, ये देखो आरामदायक सीताफल मेरा दोस्त लाया है, मेरे दोस्त की बंदी लेके आई थी ठीक है, हमारे रूममेट साहब की, ये है अहमदाबाद से आता रहता है यहाँ पे एक बंदा, वो सूरत वाला है, वो आज घर चला गया नवरात्रि के लिए, और नवरात्रि का आज शायद 6ठा दिन है पता नहीं कौन सा, मेरे को याद नहीं है भाई ठीक है, ये चला गया घर और ये गया नवरात्रि पे, ये भी नवरात्रि मनाने गया यूनिवर्सिटी में ठीक है, और एक मिरर मिल जाने वाला है सबका कॉमन ठीक है, मैं पता नहीं इतना टैन क्यों रखूँ, अभी मैं सोने से पहले स्क्रब कर लूँगा नहा के, फिर करेंगे स्क्रब कर तो दिखाएं या ना दिखाएं, बोलो जल्दी बोलो ठीक है, कोई नहीं, ये बर्तन वगैरह जो मैं लेके आया था अपने साथ, ये अपनी अलमारी है, छोटी सी अलमारी मिलेगी इसमें अपना बुक्स वगैरह टी शर्ट्स सामान, दूसरा क्या बोलते हैं इसको मैं भूल गया मैं ठीक है, ये पजामे वगैरह और अपना सामान रख रहे हैं, नीचे एक्स्ट्रा सामान रख रखा है मैंने सारा, और एक ये लॉकर मिल जाने वाला है रोल लॉकर की चाबी के साथ ठीक है, चाबी तुम्हें हर चीज़ की मिलेगी, लॉकर की मिलेगी, अलमारी की चाबी मिलेगी, लॉक मुश्किल से ही लगता है, और इसकी भी तुम्हें चाबी मिलेगी, मेरे को एक ही चाबी मिली है मालूम नहीं क्यों, वो मैंने अपने बाइक की चाबी पे लगा रखी है,
अरे 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 चार्जर गया, महंगा भाई। हाँ ठीक है, यह था अपना ऐसा कुछ रूम है। और बालकनी तुम लोगों ने देखी थी, ये बालकनी में आता ही बालकनी काफ़ी बड़ी है, इनफ बालकनी है चार लोगों के लिए। ऐसा स्टैंड मिल जाएगा तुम्हें शिवाय पैलेस में, हालांकि ये नीचे गिर गया, तो ऐसा कुछ स्टैंड मिल जाएगा तुम्हें कपड़े सुखाने के लिए। ये बालकनी है, बालकनी का व्यू ऐसा है। जो दूसरी साइड वाले रूम है तुम्हें वहाँ पे कॉम्प्लेक्स का व्यू मिलेगा, ठीक है। कर्टन्स वगैरह ये खुद लगा के देते हैं। और अपना सबसे यहाँ पे आने के बाद हमारा सहारा वडोदरा में आने के बाद एसी, इसका बिल तुम्हें खुद देना पड़ेगा, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है। और यह अपना बाथरूम, ठीक है, मतलब आ जाते हैं दो तीन दिन बाद क्लीन साफ़ करने के लिए, फिर भी ऐसा ही रहता है। गीज़र का बीच में रेंट के बीच में इंक्लूडेड है। और ये शीशा जो कि आज तक साफ़ ही नहीं हुआ वॉश बेसिन के पास। यहाँ का पानी ऐसा है ना, देखो हल्का सा भी अगर पानी लग जाए कहीं पे तो ऐसे दाग छोड़ देता है, वाइट वाइट। खारा पानी है ना, हद से ज़्यादा खारा पानी है। आने के बाद बाल और स्किन के तो लग जाएंगे तुम्हारे, बाहर फ्लैट में रहोगे बिना एसी वाले, पसीने के कारण पानी वैसे ही खारा है, पसीना भी खारा होता है, मतलब पसीने से ही नहा लोगे तुम। ये तो अपना रूम, ठीक है, शिवाय पैलेस का। रेंट अपना है 10,000 रुपये, ऑन बोर्डिंग चार्जेस तुम्हारे लगेंगे 32,000 एक महीने का रेंट, और 22,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। एसी इंक्लूडेड नहीं है, एसी जितना तुम यूज़ करोगे उतना बिल आएगा, उस हिसाब से तुम्हें बिल भरना है। पर बोले कुछ टाइम में वो भी लग जाएगा, प्रीपेड मीटर लग जाएंगे, जितना तुम रिचार्ज करोगे मीटर में उतना एसी चलेगा तुम्हारा। और चार लोगों के साथ अभी बिल आया है मेरे आने के बाद, मेरे को यहाँ पर 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में मेरा बिल 200 के करीब आ गया, ठीक है। तो मैं आया था 1100, और यूनिट इतनी महंगी 10.70 रुपये की एक यूनिट। सुना है बाकी पीजीज में थोड़े कम रेट हैं, ठीक है, मेपल वगैरह में, और मेपल में तो प्रीपेड वाला मीटर लग रखा है, जितना तुम रिचार्ज करोगे उतना तुम्हें हो जाएगा। मेपल का भी मैं रूम टूर दे दूंगा, मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है, अगर उसके रूम पे मैं गया, जो कि मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि उसका जो कुर्ता है वो मेरे पास है, नवरात्रि में पहन के गया था मैं, ठीक है, उसका कुर्ता वापस करने जाना है और काम भी है थोड़ा बहुत, तो जाऊंगा तो उसका रूम टूर भी दे दूंगा आपको, ठीक है। मेपल का खाने का मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने क्या, मैंने खुद ही नहीं खाया, दोस्त से मैंने पूछा तो बोलते खाना अच्छा है। वो ऐसा था कि पारुल में उसने आज तक मैस में कभी नहीं खाया, क्योंकि मैस का खाना पसंद नहीं था उसे, ठीक है, तो वो बाहर से ही खाता था। वो बोल अगर उसने बोल दिया मेपल का खाना अच्छा है तो लिटरल अच्छा हो सकता है। यहाँ शिवाय पैलेस का खाना ठीक है, एवरेज है, नई नई चीज़ें खाने को मिलेंगी, पर टेस्ट तुम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकोगे। अगर तुम्हें मतलब क्या ही बोलूँ, हाँ बस खाना एवरेज है, ठीक है, काम चला हुआ है। तो यार देखो रूम टूर तो मैंने दे दिया, ठीक है, अब क्या करा जाए। मेरी किसी ने नोटिस करा होगा ना, पता नहीं करा होगा या नहीं करा होगा, पर मेरी शायद या तो ये वाली है ये वाली, दोनों में से एक आंख मेरी आधी बंद रहती है और एक आंख मेरी खुली होती है, ठीक है। काफ़ी लोग मेरी बहन भी मेरे को बोलते हैं कि भाई आंखें खुली रखा कर या चश्मे पहन लिया कर। देखो मैं क्या करूँ, मेरी आंखें छोटी हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब कहीं वो पसंद है नहीं पसंद है, अपने को क्या लेना देना, ठीक है। तो अगर कोई मेरी आंखों को देख के मेरे को जज कर रहा है तो भाई करते रहो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चलो अपना आई बारी अपनी स्किन केयर की, करें शुरू। क्योंकि अपनी बहन के कहने पर मैं सोचा, और मेरी स्किन काफ़ी डल होती जा रही है, फेस मेरा काफ़ी डल हो चुका है, क्योंकि एज कम्पेयर टू दिस ये बहुत ज़्यादा डल हो चुका है। तो मैं सोचा क्यों ना कर लिया जाए, क्योंकि ना कोई फालतू का बर्डन है ना कुछ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, पहले तो थोड़ा मुंह धो लिया जाए। मुंह धोने के बाद, ठीक है, हम यूज़ करेंगे बॉम्बे शेविंग कंपनी का कॉफ़ी फेस वॉश। स्पॉन्सर्ड नहीं है ये, बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा लेंगे फेस वॉश को अपने फेस पे लगाएंगे, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना।
लिटरल चॉकलेट कॉफी जैसी, वो खा मत जा रहा बस। मेरे को ये सस्ता मिला डी मार्ट में, बाय वन गेट वन पे था, 110 रुपये में मैंने लिया। ऐसे कोई और रीज़न नहीं है इसको देने का। फेस वॉश हो चुका है, अब हम ये लगाने वाले जो मेरी बहन ने मेरे को दिलवाया था क्योंकि ये सस्ता था। ठीक है, ये अपना जॉय स्किन फ्रूट्स स्ट्रॉबेरी स्क्रब। ठीक है, अच्छा स्क्रब है यार वैसे तो, मतलब देखा जाए तो बढ़िया है, ग्रैन्यूल्स वगैरह बढ़िया इसमें स्क्रब के लिए यूज़ कर सकते हो। ये स्पॉन्सरशिप नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है मेरे कहने का मतलब ये है। अब इसे हम लगाएंगे अपने फेस पे। मेरे को नहीं मालूम स्क्रब पहले करना चाहिए फेस वॉश पहले करना चाहिए, पर अगर तुम देख रहे हो तो मेरे से रही हो तुम भी देखते रहोगे। बाकी अगर तुम्हारी कोई बड़ी बहन या छोटी बहन है तो ये सब करके तो पूछ सकते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में लड़कियों को ही ज़्यादा पता होता है, लड़कों को नहीं पता होता। हमें तो बस करवा लेते हैं हम अपनी बहनों से, बाहर आकर पता चलता है जब खुद करना पड़ता है। मेरे को ट्रिम करना था पर मैं ट्रिम करना भूल गया, क्यों मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं वो रीज़न भी भूल गया। मैं इसको करूँगा नहाते वक्त, डायरेक्ट बाहर मिलते हैं जब सीरम लगाएंगे तो निकलो अभी यहाँ से। ठीक है, बंदे को चैन से नहाने भी मत देना तुम लोग, हर जगह घुसना इनको। तो यार देखो, स्किन केयर करना मेरे लिए थोड़ा भारी पड़ गया आज के दिन वीडियो के चक्कर में, क्योंकि मैं थोड़ी मतलब क्या ही बताऊँ, दिखा दूँ हो जाऊँ ऊपर। मैं मतलब हाँ, मैंने स्टोरी डाली ना, यही है वो अनएक्सपेक्टेड चीज़। मैं मतलब एज यू ट्रिम कर रहा था नीचे से, और एकदम से वो ब्लेड यहाँ पे अटक के एकदम से ऊपर निकल गया, झटका लगा हाथ को यहाँ से, मतलब थोड़ा अटक के ऐसे हो गया। और फिर मैं क्या ही करता, मैंने सारी उड़ा दी। फिर यहाँ से मैंने थोड़ी फिर भी हैवी रख ली, क्योंकि यहाँ से बच गई थी हैवी इन द सेंस की इसके साथ तो मैच करना ही था। अगर अकेले ये रख लेता तो वो है ना, क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, ये जवानी है दीवानी में वो इंजीनियर से शादी करती है वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी की, ये जवानी है दीवानी ना, हाँ भैया भैया ठीक है, क्या ही कर सकते हैं हम इसे, तो चलो फिर रखते हैं। और ये अपना प्लम का राइस वाटर विद नायासिनामाइड एसिड, ठीक है, एक और बार बोल देता हूँ, स्पॉन्सर्ड नहीं है, कतई नहीं है स्पॉन्सर्ड, ये मैं खुद खरीदे हैं अमेजोन से। अगर नहीं यकीन आ रहा तो मैं ऑर्डर हिस्ट्री दिखा दूँगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, हम इतने बड़े क्रिएटर नहीं हुए हैं अभी कि हमें प्लम जैसी ब्रांड वो करे, स्पॉन्सर करे। और अगर मतलब प्लम को तुम कर दोगे टैग वगैरह, जो तुम नहीं करते हो किसी भी वीडियो में और ना ही सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि 90% ऑडियंस जितनी आती है वो सारी अनसब्सक्राइब्ड आती है, तो सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो। हाँ माना कि मैंने पारुल यूनिवर्सिटी के व्लॉग्स बनाने छोड़ दिए, अब इस पे आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अलग सा टेक्स्चर है मेरे को मालूम है, इसको अपन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पैटर ट्राई करना इन लोगों ने लिखा है, और डेली यूज करनी है, सीरम है ये। ठीक है, ये देखो राइस वाटर एंड नायासिनामाइड सीरम, अगर फोकस हो रहा हो इस पे तो देखो यार, नहीं हो रहा, मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, ठीक है मानता हूँ मैं। देखो ये यहाँ पे वाटर कूलर, ये मशीन लग नहीं रहा कि चल रही है। ये मशीन ना पहले 2 दिन तक मेंटेनेंस में थी, ये कॉरिडोर 3rd फ्लोर का, यहाँ पे रूम्स, ये अपना रूम, ये सामने रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी वगैरह जहाँ तुम बैठ के पढ़ सकते हो, तुम्हारे लिए पढ़ने की व्यवस्था की गई है। और अगर लाइट जाती है तो रूम्स में तो आती नहीं है लाइट,
उधर ही होती है, फ़ोन वगैरह चार्जिंग के लिए भी वहाँ फैसिलिटी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और बारिश में लाइट काफ़ी जाती है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है तो बिजली बोर्ड वालों को यहाँ पे मौत आ जाती है कि बस लाइट काटनी ही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो मैंने मशीन दिखाई वो पहले 2 दिन तक मेंटेनेंस में थी, आज चालू हुई और आज मैं तीसरी बार सेम कपड़े धुलने डाल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने बीच में वॉशिंग पाउडर डाला था वही नहीं जा रहा, वही नहीं धुल रहा, पता नहीं क्यों। ये मत बोलना कि ज़्यादा डाल दिया होगा, नहीं कम डाला था, लिमिट में डाला था, पर लेकिन धुला ही नहीं, क्या कर सकते हैं। फिर से दोबारा अभी देख के आया तो 1 घंटा बाकी है, 1.25 घंटा बाकी है, जबकि 1 घंटा 36 मिनट टोटल हो रहे थे पिछले 1 घंटे से, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ उसको लगा के, और अभी भी 1 घंटा 15 मिनट बाकी है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन हमारी समझ से बाहर है। जो भी है, तो दिस वॉज इट फॉर दिस व्लॉग, मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, सी यू बाय। 1 मिनट फिर से कुछ बोल रहा हूँ, हाँ नवरात्रि के ब्लॉग्स शायद ही आएंगे अगर मैं गया, क्योंकि तबीयत ख़राब है, 1 दिन जाने के बाद ही मेरी तबीयत के लग गए, तबीयत ख़राब है, शायद ही ब्लॉग आए नवरात्रि के। तो अगली बार नवरात्रि में जाऊंगा तो दिखा दूंगा पारुल की नवरात्रि कैसी होती है, वरना किसी और चैनल पे तुम्हें दिख जाएगी कैसी होती है नवरात्रि पारुल की। बाकी पता नहीं वो बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा, मेरे को नहीं मालूम, ना मेरे को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वैसे पढ़ना तो चाहिए, कॉम्पिटिटर्स और फेलो क्रिएटर्स भी हैं, ठीक है, वो डालेंगे तो खुद में भी मतलब कॉम्पिटिटिव होना चाहिए खुद को, कि वो लोग डाल रहे हैं तो मेरे को भी डालना है। तो पर लेकिन अब नहीं कर अभी नहीं कर पाऊँगा मैं वो, कि नवरात्रि का ब्लॉग डालूँ, ठीक है। और वैसे भी अंधेरा रात को मेरा क्या बोलते हैं, लो लाइट परफॉर्मेंस मेरा फ़ोन अच्छा नहीं देता है, तो देख लेना। और जो चीज़ रह गई थी वो बोल देता हूँ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू ब्लॉग। सो दिस वाज इट फॉर दिस ब्लॉग, मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।